अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको अंगरखा कमीज की कटिंग और ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। इंशाल्लाह आज इसकी वीडियो मैं कटिंग की डाल रही हूँ यूट्यूब पे, और कल इसकी स्टिचिंग बताऊँगी, फुल स्टिचिंग का तरीका बताऊँगी। आप अगर वो देखना चाहें तो वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको पमैश करने का तरीका नहीं आता तो मेरे ही चैनल पे मैंने वजाहत के साथ सही तरीका जो होता है नाप लेने का, मैंने सारा वो बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में वो भी देख सकती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बताती रहती हूँ कि नाप लिया जाता है तीरे का, तीरे को दो पे तकसीम किया जाता है। जैसे कि तीरा 14 इंच है, 14 को दो पे तकसीम किया तो 7 पे निशान लगाएंगे, ठीक। कंधा है 8 इंच, इसी तरह छाती को 4 पे तकसीम किया जाता है, 39 इंच छाती है तो जब 4 पे तकसीम करेंगे तो 9.75 आएगा। है कमर लेंथ 15.5 पे बनती है, 15.5 पे मैंने निशान लगा दिया। 32 इंच कमर बनती है, 32 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 8 इंच बनेगा। हिप लेंथ लगाने के लिए पहले चाक का नाप लिया जाता है, चाक नॉर्मल जो बनाए जाते हैं लेडीज के 12 इंच 13 इंच पे बनाए जाते हैं, 12 इंच चाक के लिए। इसी नुक्ते के बराबर हिप 44 इंच है तो जब 4 पे तकसीम करेंगे तो 11 इंच आएगा। जितना तीरा बनता होता है उतने पे नुक्ता लगाना होता है छाती वाली लाइन पे। जैसे अब इन्हीं दोनों नुक्तों को इस तरह आपस में मिला देना है। लेडीज़ को यहाँ पे कपड़ा खुला चाहिए होता है, यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच खुला रखना होता है तो 1 इंच मैं यहाँ पे खुला रख रही हूँ। जिस तरह बहर से आप गुलाई करते हैं ऐसा लगे एक ही लाइन में आप फिटिंग करती हुई आ रही हैं, ठीक है। लेडीज़ कमीज़ के गले की जो चौड़ाई रखी जाती है वो 3 इंच रखी जाती है। कंधे की शेप देने के लिए 1 इंच नीचे नुक्ता लगा लें, इस नुक्ते को इस नुक्ते से मिला दें। कंधे की गुलाई के लिए बाकी जितना भी बचता होगा उसके दरमियान में नुक्ता लगाएं और वहीं से गुलाई मुकम्मल करें। दरमियान में नुक्ता लगा दिया, अब यहीं से ऐसा लगे ऊपर से ही आप गुलाई करती हुई आ रही हैं, और इस तरह से आपने गुलाई का निशान लगा देना अपने एक्स्ट्रा 1 इंच नाप के, ठीक है ना। आप इस स्टील फुट या इंची टेप से नाप के 1 इंच एक्स्ट्रा बहर लेके 1 इंच कपड़ा हुआ फिर रखते हुए ये देखें कि ये जितना ये टोटल बनता होगा इसी का नाप ले लें, और इतना ही आपने दामन रखना है। कमीज़ की लंबाई आप फैशन के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकती हैं। तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे, जहां गुलाई करनी हो आपने सीजर ऊपर नहीं उठाना, इस तरह से सीजर को मोड़ देना है के साथ फिटिंग की जिस तरह कटिंग होती है वैसे करते हुए हिप की तरफ, क्योंकि हिप की तरफ कपड़ा खुला चाहिए होता है, तो इस तरह से आपने कटिंग कर देनी है। अगर आप ड्राफ्टिंग समझ लेना आप किसी का भी कमीज कटिंग कर सकती हैं। है देखें ड्राफ्टिंग के जरिए सिर्फ ड्राफ्टिंग हम समझ लेना तो कटिंग बहुत आसान होती है। मैं क्योंकि अंगरखा बता रही हूँ, अंगरखे की जो बैक साइड है सेम इसी तरीके से, अगर आप पैटर्न नहीं बनाना चाहती सेम इसी तरीके से आप बैक साइड पर ड्राफ्टिंग करके दरमियान में फोल्ड कर लें कपड़े को, जैसे कि ये देखें मैंने कर रखा है, और उसकी कटिंग कर लें। इस तरह आपने कमीज़ की बैक साइड के ऊपर ये पैटर्न रख देना है। अच्छा देखिए मैं ऊपर से थोड़ा कम कर रही हूँ, ये इसलिए कि मेरा ये कपड़ा पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। कपड़ा पूरा नहीं हो रहा, मैं बैक साइड पे जोड़ डालूँगी। आपने पूरा बराबर इसी के पैटर्न के बराबर ये देखें यहाँ तक आपने पूरा रखना है, इसकी लंबाई यहाँ तक आपने इसकी लंबाई पूरी रखनी है। मैं क्योंकि इसमें जोड़ डालूँगी सारी बाकी कटिंग करके, जो यहाँ से कपड़ा निकलेगा वो बैक साइड पर डालूँगी, इसलिए मैं ये कम रख रही हूँ, ठीक है। Thank you.
देखें 2 इंच नीचे मैंने दामन फोल्ड करने के लिए रखा है, ठीक है। ये देखें, ये तीरे पर ऊपर जोड़ आया है, इसको फिर सिलाई में छुपा दूंगी, ठीक है। ये ऊपर मैंने बैक साइड रखी हुई है, और नीचे देखें जो फ्रंट साइड है उसका आपने बैक साइड से 1 इंच वाफिर एक हिस्सा 1 इंच वाफे रखें और दूसरा हिस्सा 5 इंच वाफे रखें, ठीक है। ये देखें 5 इंच तक एक हिस्सा वाफे रखें, ये अहम चीज़ है, इसको नोट कीजिएगा। एक साइड पे 1 इंच वाफे रखना है, दूसरी साइड पे 5 इंच वाफे रखना है। ये देखें, ये ओपन साइड है जहाँ से कटिंग होगी, और ये कमीज़ की बंद साइड है, और बंद साइड की तरफ, ठीक है ना, बंद साइड की तरफ एक साइड पे आपने 1 इंच वाफे रखना है और दूसरी साइड पे आपने 5 इंच वाफे रखना है। फ्रंट साइड और बैक साइड को कटिंग कर दिया है। साइडों की कटिंग करने के बाद दोनों अलग अलग हो गए थे, जो 1 इंच वाफिर था वो अंदर एक्स्ट्रा फोड़ दिया, और दूसरी तरफ 5 इंच एक्स्ट्रा था वो भी अंदर की तरफ, ये देखें वाफिर जो था मोड़ दिया है। बैक साइड अलग है, ठीक है। फ्रंट साइड के दोनों पल्लों को बराबर रखना है आपने, देखें दोनों पल्लों को आपने बराबर रखते हुए चौड़ाई पे एक नुक्ता लगाना है, तो आपने लंबाई पे 6 इंच पे नुक्ता लगाना है। आपने इस तरह 6 इंच वाले नुक्ते को और 3 इंच वाले नुक्ते को बराबर रख के तिरछी लाइन लगा लेनी है ऐसे फ्रंट साइड के गले की, ठीक है। फ्रंट साइड का जो अंग रखा होता है उसका गला वी शेप में कटिंग किया जाता है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, आपने साइडों की कटिंग कर देनी है जिस तरह कमीज की कटिंग की जाती है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से, और ये वो पल्ला है जिसका 6 इंच वाफिर था। अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब दूसरा पल्ला कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें गाइस, ये दूसरी साइड का पल्ला है, ये वो 1 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था अंदर पट्टी मोड़ने के लिए, ये अंदर मुड़ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा आप हटा लें और इस पैटर्न को भी उठा लें। आप बेशक ये पैटर्न आप संभाल के रखें, पूरी ज़िंदगी इस पे आप कटिंग करती रहें। ठीक है, ये देखें, ये लाइन यहाँ पे पैपिंग लेस वगैरह जो आप करना चाहती हैं होगी, और यहाँ पे और यहाँ पे कुछ चौक रखा जाता है। तो गाइस, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहती हैं तो वो भी आप देख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। मुझे साफ कहती है आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, असल में मेरा आप नोट करें बाकी लोगों से जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, मैंने फैशन डिज़ाइनर के डिप्लोमे कर रखे हैं, तो मेरा तरीका सबसे चेंज है और बहुत आसान है। अगर इसी तरीके से आप करें ना तो आप बहुत अच्छी डिज़ाइनर बन सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा।